अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपका अमर उजाला का सफलता का यूट्यूब चैनल में। मैं अंकिता तनेजा आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगी आपके लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है बेटा एनडी एग्जाम के लिए। आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो 6 सितंबर को होने वाला है, और इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट एनडीए कोर्स, है ना, जिसमें हम क्या कवर अप करेंगे बेटा, यहाँ पे पूरा की पूरा हम यहाँ पे आपको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का, मतलब जनवरी टू जुलाई, है ना, क्योंकि वो ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, आप जो यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि करंट अफेयर की क्लासेस मैं अंकिता तनेजा आपको पढ़ाऊंगी सफलता पे, है ना। तो देखिए सफलता पे जो है हम यहाँ पे अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा थॉट है, मैंने कहा जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो बेटा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना जरूरी बनता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक छोटे से थॉट की, और आज की क्लास जो है हमारी एक थॉट के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ, है ना। देखो भैया हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको लाइफ में क्या है, पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, कुछ भी आए, है ना। अब देखो सिचुएशन क्या चल रही है, पैन इंडिया ने अक्रॉस द वर्ल्ड क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है। कोविड की वजह से आपको पता है कि लोगों में कितनी ज्यादा, मतलब हर सेक्टर में अगर आप देखें, है ना, तो हर सेक्टर में आपको जो है बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउनफॉल्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या इस वजह से हम सारी चीजें करना बंद कर देंगे? नहीं मैम, क्यों बंद कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो क्या है यहाँ पे जो है ना, हम अपनी सारी चीजें जो है एक पॉजिटिव चीज के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके तो किसी भी सिचुएशन में आपको जो है हमेशा पॉजिटिव रहना, क्यों रहना भैया, अगर पॉजिटिव रहेंगे तभी तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे हमारे। ओके चलिए मूविंग टू द टॉपिक, आज का हम सेशन अपना एजुकेशन वाला स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग जुड़ना शुरू हो गए होंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे जुड़ते चले जा रहे हैं साथ साथ जो है बेटा, ओके चलिए चलिए तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, ओके देख लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे। आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे बेटा, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके जब भी आगे हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे ना बेटा तो हम उसे कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कनेक्ट करने से क्या होगा, हमें रिवाइज नहीं करना होगा। ओके चलिए अब रखते हैं हम यहाँ पे एक एमसीक्यू का सेशन, न्यूज टिप्स देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, एक स्टेट देखेंगे। डेली हम हमारा करंट अफेयर का जो क्लास रखेंगे उसमें हम एक स्टेट जो है डेली रखेंगे, उससे क्या जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे वो कवर अप होते चले जाएंगे, और देखेंगे हम यहाँ पे कंट्री एक। ओके चलिए अब यहाँ पे हम हमारा वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, बोला मैम ये भी कोई बात है, सबने सुन रखा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। चलिए तो वर्ल्ड बैंक भैया काम क्या करता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। बैंक है तो पता है हमें कि बैंक क्या फंक्शनिंग्स होगी, लोन होगा, ओके ये सारी चीजें होगी, लेकिन फोकस क्या है, किस चीज के लिए फोकस करता है? फोकस इज लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पुअरर कंट्रीज, है ना। मतलब क्या है भैया, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है ना उनको लोन प्रोवाइड करता है। ओके पर्पस क्या है भैया, पॉवर्टी इराडिकेशन की बात करता, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ओके ठीक है चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग मानव, अक्षत, मोहित, आप सबको बहुत बहुत बेटा बधाई हो सफलता के चैनल पे। यहाँ पे हम आपको जो है पूरा करंट अफेयर पढ़ाएंगे, आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चलिए वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देख लेते हैं दो इसके वर्ल्ड बैंक के फॉर्मेशन। ओके एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों फंक्शनिंग किसके अंडर करता है बेटा, वर्ल्ड बैंक के अंदर करता है। ओके चलिए अब यहाँ पे बात आ जाती है दूसरी आपकी,
इसके अंदर क्या क्या इश्यूज होता है। मतलब अब देखो इतनी सारी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है, ओके। अब क्या होगा, ये जो कंट्रीज आ रही हैं यहाँ पे, तो इनका परफॉर्मेंस कौन कैसे काम कर रहा है, तो रिपोर्ट्स वगैरह जारी की जाती है, जिसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। मैंने यहाँ पे इसका एक चार्ट भी ले रखा है, वो मैं आपको, ओके यहाँ पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी वो कितनी है, अगर आप में से किसी बच्चे को पता है तो वो मुझे कमेंट करके भी बता सकता है ना, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी एनडीए वगैरह में काफी बार पूछा गया है, जो अभी करंट की है बेटा दैट इज 63, ओके, और लास्ट ईयर की कितनी है 77। नोट डाउन भी आप लोग करते रहे साथ साथ, क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ, आप लोगों को ध्यान भी रहेगा, जिससे है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बेटा लास्ट ईयर की रैंकिंग है 77 और इस बार की रैंकिंग कितनी है 63। नोट डाउन कर लो भैया, जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी वर्ल्ड बैंक, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कनेक्ट कर लेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि फर्स्ट, ये तो हमने देख ली, लेकिन फर्स्ट किसकी है मैम, फर्स्ट भी तो कोई होगा ना। हाँ तो भैया फर्स्ट भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूजीलैंड, ओके ठीक है, याद रखना बेटा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं यहाँ पे बेटा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड पॉवर्टी एंड शेयर्ड पॉवर्टी। मतलब इनके ऊपर जो है ये सारी रिपोर्ट अगर आपसे पूछे जाए कि कौन जारी करता है, तो कौन करता है भैया, वर्ल्ड बैंक करता है, ओके ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे की सारे ये पॉइंट्स हैं बेटा, ध्यान रखो, है ना। बहुत बार पूछा गया है कि ये वर्ल्ड बैंक की भैया जरूरत क्यों पड़ी गई थी, है ना, क्या ऐसा हो गया था। देखो मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा, है ना, उसके बाद जो सिचुएशंस वगैरह आई थी, है ना, कि इसे क्राइसिस हो गए हैं, कैसे मेंटेन किया जाए, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद ये बनाया गया था। तो जब हम यूएनडीपी पढ़ेंगे ना, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे और डिटेल में मैं आपको बता दूंगी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है वर्ल्ड बैंक, है ना। चलो तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, डेट इंपॉर्टेंट है, 1st to 22nd July 1944। ये पूछ ली जाती है बहुत बार डेट। अब दूसरा क्या पूछ लिया जाता है, वर्क फॉर ट्रेड, मतलब ये वर्ल्ड बैंक है भाई, किसी को भी पैसा दे देगा, अगर मुझे किसी पर्पस के लिए चाहिए तो मुझे बताना पड़ेगा ना वर्ल्ड बैंक को कि मुझे किस काम के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ पे जिसे ट्रेड करना है, ओके, उसको दिया जाता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर पता है कि कितना ज्यादा काम कर रही है, सारा वर्ल्ड ही काम कर रहा है ना, तो उन कंट्रीज को दिया जाता है। और पावर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड बैंक का काम है, दैट इज पावर्टी, इराडिकेशन ऑफ पावर्टी। अब देखो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे जैसे जैसे याद आने लगता है वैसे वैसे मैं आपको बताने चले जाऊंगी, है ना। अक्षत, हाँ बेटा ये एनडीए बैच है आपका, है ना, रेगुलर आपकी क्लासेस होगी, टाइमिंग्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ओके, तो आप कनेक्ट रहे। और बेटा एनडीए का यहाँ पे मैं आपको टारगेट करके पढ़ा रही हूँ, जो कि आपका 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, है ना। तो लास्ट 6 मंथ का जो है हम यहाँ पे करंट अफेयर कवर अप करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट रखेंगे क्लासेस को, क्योंकि हमें 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, ओके। चलिए तो बात कर रही थी मैं पावर्टी की, ओके जी, जब भी पावर्टी आएगा तो पावर्टी से मुझे कौन याद आ जाएगा, वैगनर नर्क से, देख लो, नर्क से, वैगनर नर्क से, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने दी गई थी विशीसियस साइकिल ऑफ पावर्टी। सीधा एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि विशीसियस साइकिल ऑफ पावर्टी किसने दी थी, वैगनर नर्क से ने दी थी, है ना। तो पावर्टी से जो है आप ऐसे रिलेट कर लोगे और यहाँ पे उसे याद कर लोगे। चलिए अब देख लेते हैं, अनुष्का कांत अपॉइंट की गई है वर्ल्ड बैंक की एमडी, ओके, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है बेटा, डेविड मालपास, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप,
ओके, मेंबरशिप कितनी कंट्रीज है बेटा? 189 कंट्रीज है, ओके, आईबीआरडी में, और 173 कंट्रीज किसमें है? आईडीए में, फाउंडेड 1944। चलिए ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आगे से हम जो प्रैक्टिस करेंगे, आज हमारा फर्स्ट क्लास है सफलता पे, इसीलिए आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि हम लोगों का पैटर्न कैसे रहेगा। ओके चलिए, तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने से क्या होगा, क्यों हम जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो बेटा वहां पे हमारी प्रैक्टिस रहेगी, हमें भी कुछ नया सा नहीं लगेगा कि अरे ये चीज हमें कैसे करनी है। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन का जितना भी एग्जाम होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आप लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते हो तो आप लोग वहां पे ट्रिक यूज करते हैं, क्यों यूज करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप टाइम मैनेज कर सके, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सारे सम्स आते हैं, सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि टाइम, कितनी जल्दी उस चीज को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे आपका पूरा सेशन जो रखेंगे मैक्सिमम, वो कैसे रखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में। चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों थे, एलिस फैक्ट, है ना। ये न्यूज़ में इसीलिए थे, इन्होंने अभी कौन सी कंट्री के, ये जो है ना वाज अ पीएम ऑफ, ठीक है, विच कंट्री, मतलब इन्होंने अभी रिजाइन भी दिया है, तो क्या बात है, कौन से स्टेट के, अगर किसी को पता है ना बच्चों, अगर आप में से किसी को पता है तो आप जो है मुझे यहाँ पे कमेंट भी करके बता सकते हैं साथ ही साथ, अदरवाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द राइट आंसर इज बेटा टूनीशिया, है ना। एलिस जो है हमारे किससे रिलेट कर रहे हैं, कहा के ये जो है पीएम रह चुके हैं ट्यूनीशिया के। चलिए मूविंग टू द पॉइंट, यहाँ देख लेते हैं ऐसी क्या बात हो गई जो इन्हें रिजाइन करना पड़ा। ये देखिए इनका सुंदर सा चेहरा आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। चलिए बात क्या हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि सारी कंट्री जो है बेटा अभी किससे सफर कर रही है, कोविड से सफर कर रही है ना। तो कोविड की वजह से हर कंट्री में क्या है बेटा, डेफिसिट है, मतलब इकोनॉमिक अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो वो कैसी है, डेफिसिट में हमें मिल रही है। तो यही हाल भैया ट्यूनीशिया का भी था, ट्यूनीशिया में भी यही चीज चल रही थी। लेकिन यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिस जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पर्सनल, मतलब जो गवर्नमेंट के पैसे वगैरह थे, जितनी भी सारी चीजें थी, वो अपने पर्सनल यूज के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, अपने पर्सनल पर्पज के लिए इन्होंने शेयर्स वगैरह लेने यहाँ पे शुरू कर दिए। तो इनके साथ के जितने मेंबर्स थे, है ना, जो गवर्नमेंट में इनके साथ जो और मेंबर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे बेटा वो थे यहाँ पे, सॉरी, जितने भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के साथ वगैरह लोग दिख रहे थे, उन्होंने क्या किया, इन पे एक मीटिंग बुलवाई, ठीक है, मीटिंग बुलवाई, सारी चीजें आइडेंटिफाई हुई, और उसके साथ साथ ये जो है यहाँ पे फिर इन्हें एक कॉन्फिडेंस मोशन की बात आ गई। आपको पता है इंडिया में भी होता है कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। तो वो हुआ और उसके चलते यहाँ पे उन्हें जो है रिजाइन करना पड़ा। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द एलिस, है ना। एलिस जो है हमारे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ट्यूनीशिया के। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कमेंट करना है, नवदीप सिंह ट्यूनीशिया। हाँ बेटा मेरे को अभी मिला आपका आंसर, थोड़ा सा लेट मिला है, ओके ठीक है। चलिए तो बेटा जब भी हम पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है हम यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ट्यूनीशिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन है बेटा, कैस सैयद। ट्यूनीशिया बिल्ट अ डेमोक्रेसी आफ्टर अ प्रोटेस्ट ओवरथर अ लॉन्ग टाइम ऑटोक्रेट इन 2011, है ना। चलिए कैपिटल ट्यूनिस है, करेंसी ट्यूनिशियन दिनार है, और ऑफिशियल लैंग्वेज अरब है, ओके ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चा, आप लोग जो देख रहे हैं मुझे लाइव देख रहे हैं, है ना, वो साथ साथ मुझे अगर कोई भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी, ओके। चलिए तो देखो जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ो तो याद रखो, हम जो भी कंट्री पढ़ रहे हैं, जो भी स्टेट पढ़ रहे हैं, हम उसे मैप के थ्रू पढ़े। उससे क्या होगा, जितना भी हम विजुलाइज करते हैं ना बेटा, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू हम जो, अगर हमारे पास कोई चीज रिटर्न फॉर्म में है तो, ठीक है ना।
तो चलिए, यहाँ पे हमने टुनिशिया को देखा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, टुनिशिया का जो बॉर्डर है ना वो आपको दिख रहा होगा, किससे शेयर हो रहा है, मेडिटेरियन सी से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख गया, इटली दिख गया। इटली के पास बेटा जो माल्टा आइलैंड है ना ये फेमस है, ठीक है, जब रीजनल पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, बट फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको अल्जीरिया दिख रहा है और लीबिया दिख रहा है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें मैं जो आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर हुर्नुस रिसर्च। इसके जो रैंकिंग है मुकेश अंबानी की, इनके 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी आपको साथ साथ बताने वाली हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो मुझे कमेंट करके बता रहा है तो बता सकता है। नवोदी 3rd पोजीशन, ओके। चलिए देख लेते हैं बेटा, पहले ही मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अंबानी जी के ऊपर। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इन्होंने रिसेंट न्यूज में ये क्यों है, ओके। पहले तो हम बात कर लेते हैं, आपने देखे होंगे यहाँ पे 5G है ना, आपको पता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमने सारी चीजें बैन कर रखी हैं, अभी हमने ऐप बैन किए हैं चाइनीज, है ना, 56 चाइनीज ऐप बैन किए, उसके ऊपर टॉपिक है पूरा पूरा, वो मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल एक एक पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सारी कंट्री ही करना चाह रही थी लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया, इंडिया ने लिया। तो इंडिया और चाइना के हमारे जो रिलेशन चल रहे हैं ना बेटा, वो कुछ अच्छे से नहीं चल रहे हैं, है ना। गलवान वैली वाला इशू आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स है उसकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं। तो क्या भैया 5G, यूके में बेटा क्या बोला गया है, हुवाई जो है कंपनी 2027 तक हम जो सारा की सारी चीजें हैं चाइना की वो बैन कर देंगे। मतलब अभी इतना टाइम हमने एक्सटेंड कर दिया है, आप 2027 तक ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बैन करनी है। तो यहाँ पे भैया अब बात आ जाती है अंबानी जी की। अंबानी जी जो किस पे काम कर रहे हैं, 5G नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। तो ये आप एक चीज देख सकते हैं, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। एक हमें बेनिफिट होगा FDI, मतलब जितना भी फॉरेन इन्वेस्ट है बेटा वो हमारे यहाँ आएगा, हमारी कंट्री में आएगा, एक प्लस पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा, 5G टेक्नोलॉजी में जितने और अदर नेशंस हैं उनके साथ भी हमारे लिंकअप्स होने और हमारा जो है चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये बेनिफिट है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये 5G हमारा किस में आ जाएगा बेटा, मेक इन इंडिया में आ जाएगा, है ना। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा, हमें अंबानी जी के साथ क्या देखने को मिल रहा है, हमें इनके जो है जियो ग्लासेस देखने को मिल रहे हैं, ओके। इसमें क्या होगा भाई, जियो ग्लासेस में, जियो ग्लासेस इज अ विजुअल ग्लासेस, मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला है, 5G के बारे में बोला है ना, और मैंने आपको जियो ग्लासेस के बारे में बोला। अगर मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल कोई चीज ले लेती, तो अगर अभी आपने वो ग्लासेस पहने होते तो उसकी इमेज आपको दिखने लग जाती, वो विजुअल होने लग जाते। तो आपको पता है कोविड की वजह से आपकी हमारी सबकी जो चीजें वो बंद हो रखी है। हम टीचर्स जो है स्कूल्स नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ नहीं सकते, है ना। तो क्या सारी चीजें हो गई है, सारा मोड कैसा हो गया बेटा, ऑनलाइन हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अभी आपको दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे वो आपने जियो ग्लास पहने होते तो क्या होता, आपको इमेज जो है बेटा 3D में दिखने लग जाती। आपने मूवीज वगैरह देखी होगी, एवेंजर होगी, आयरन मैन वगैरह होगी, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। हाँ बेटा, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट फंडेड शेयर टू रिलायंस डिजिटल लव दो। हाँ नवोदित सिंह, यस बेटा, मैं आपको और पॉइंट्स भी बता रही हूँ यहाँ पे, है ना। एक चीज तो ये हो गई, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी फोरबेस है ना, फोरबेस में आपको रैंकिंग क्या देखने को मिली है, वो आपकी रैंकिंग आई है 5th नंबर पे, ठीक है। अब जो है फर्स्ट पे कौन है बेटा, फर्स्ट पे आपको मिलेंगे जेफ, सेकेंड पे आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे आपको मिलेंगे बिल गेट्स, ओके, और फोर्थ पे आई थिंक आप सबके फेवरेट होंगे ज़ुकरबर्ग,
ओके, इसके बिना शायद आपकी मॉर्निंग नहीं होती होगी। ओके, चलिए। और फिफ्थ पे है हमारे अंबानी जी। तो बोला ऐसा जा रहा है यहाँ पे कि जो है अंबानी जी बहुत ही जल्दी फर्स्ट पे भी पहुंच जाएंगे। पहले तो इन्हें बीट किया जाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम जंप कर लेंगे। ओके, चलिए जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन है। ओके, चलिए बेटा, फिफ्थ इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द हुनरूस रिसर्च। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, ओके। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ एजुकेशनल डेवलपमेंट डे। मैं आप लोगों के साथ सारी लिस्ट शेयर कर दूंगी बेटा, मंथ वाइज के हिसाब से, है ना। अब 6 सितंबर, सॉरी 6 अगस्त था, है ना। तो अब जब यहाँ पे बात आई है तो 6, पहले तो मैं बता देती हूँ 6 अगस्त को हम क्या मनाते हैं बेटा, हम नहीं मतलब कौन सा डे मनाया जाता है, हिरोशिमा डे मनाया जाता है यहाँ पे। ओके, चलिए। अब यहाँ पे जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट डे की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा डेट है, अगर आप लोगों को याद है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दो। कोई बच्चे का अगर मुझे आंसर आया, मैं 1-2 मिनट वेट कर लेती हूँ यहाँ पे, आप लोग मुझे आंसर करके बता सकते हैं अगर आप लोगों को पता है तो। ओके, हिरोशिमा बेटा 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा है ना, वहां पे बम ब्लास्टिंग हुई थी। हिरोशिमा है कहाँ पे, जापान में है हिरोशिमा एंड नागासाकी। नागासाकी 9th को मनाया जाता है। ओके, इसे बोलते हैं लिटिल मैन, लिटिल बॉय बोला जाता है, और इसे बोला जाता है फैट बॉय। चलिए, जब डेट वगैरह डे वगैरह आते हैं ना, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। उससे क्या है बेटा, उससे आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा कि जब भी आप पढ़ेंगे, है ना, तो आप कनेक्ट कर सकेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, यहाँ पे मुझे आज सच किसी का आंसर नहीं मिल पा रहा है, एंड द राइट आंसर इज बेटा 15 जुलाई। ओके, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी बेटा 117th, है ना। ये कौन रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके, चलिए, तमिलनाडु की बात आई है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रेजेंट पे जो आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे इदप्पी पलन स्वामी, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, है ना। एक और पॉइंट बेटा, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, मैं बता देती हूँ आपको बेटा, आप लोगों को स्टेट कैपिटल चीफ मिनिस्टर गवर्नर वगैरह याद होने चाहिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, बट फिर भी अगर याद है तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द किंग मेकर। ओके, किंग मेकर किसे बोला जाता है, के कामराज जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भैया, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास इतनी पावर्स होती थी कि अगर ये किसी को भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी बनाना चाहे तो ये बना सकते थे। ओके, चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट है, अब हम वन लाइनर देख रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पार्किंग गोस कंप्लीटली कॉन्टैक्टलेस। मैडम जी, इसका क्या मतलब है। अरे भैया, इसका ये मतलब है, सुनिए, यहाँ पे आपने देखा होगा जितनी भी गाड़ियां अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, वो सब आपको कैसे मिल रही है, मतलब गाड़ियों के ऊपर आपको एक जो है ना टैग सा दिखता है ना, वो क्या टैग है, फास्टैग टैग है। उससे क्या होगा, देखिए, फास्टैग सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन, एक तो पहला पूछ लिया जाएगा कि किसके ऊपर बेस्ड है, वो है इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना, उसके ऊपर बेस है ये आपका। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बना है, सबसे पहले आपका बना है हैदराबाद, सीधा सीधा यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने देखो आपको पिक्चर के थ्रू यहाँ पे दिखा रही हूँ, है ना, यहाँ आपको दिखेगा बेटा, यहाँ पे जो है ना ये वाला जगह, यहाँ पे वो बना हुआ है। इससे जो है ना यहाँ पे आपको जो है ये रेडिएशन यहाँ पे उसको मिलनी शुरू हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो है ये आपका यहाँ पे पास वगैरह जो है, अब आपको जो है पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। एक आपका जो होगा लिंक हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड या गूगल पे कोई भी एक वॉलेट होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं एक और चीज। तेलंगाना पुलिस लॉन्च साइबर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन, किस लिए किया गया है,
टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना भैया। यहाँ पे ये साइबर क्यों शुरू किया गया, ये इसलिए शुरू किया गया, जैसे आपको पता है फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गई ना, तो यहाँ पे ये साइबर के थ्रू क्या करेंगे, ये अवेयर करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जितने भी ये सारी चीजें होती है ना, ओके, साइबर क्राइम, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, साइबर, नाम ही ऐसे दे रखा है कि नहीं, टू टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो बेटा, इमेजेस के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप जो है एज मैक्सिमम एज आप यहाँ पे रिवाइज कर सके, है ना, आप जैसे ही देखेंगे आपको याद आ जाएगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे स्क्रीन नॉट विजिबल, मोहित स्क्रीन तो बेटा यहाँ पे दिख रही है, एवरीथिंग इज क्लियर, आप एक बार चेक करो अपना कनेक्शन वगैरह, प्रोबेबली आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, तो अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से मुझे बताओ, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ओके। चलिए आप देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अनाउंस 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, बहुत बार पूछा जाता है ना, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, भैया ये दिया क्यों जाता है, किसे दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया और किन्हें दिया गया, ये चार नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जा सकता है, दैट इज इन न्यूयॉर्क, है ना, तो किसे दिया गया, ये चार कौन लोग हैं, ये हैं आपके शाहिदुल्ला आलम, कहाँ से हैं, ये बांग्लादेश से हैं, ठीक है, मोहम्मद मोसीद ईरान से हैं, दापो आपका नाइजेरिया से है, और सिवटेलेना आपकी रशिया से है, ओके। तो नाम आपसे पूछ भी लिए जा सकते हैं, नहीं भी पूछ लिए जा सकते, बट दिस फोर न्यूज में थे तो यहाँ पे डिस्कस करना बनता है, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे किसे बोला जाता है, किसे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, गवर्नमेंट पॉलिटिकल्स, मतलब जो रियलिटी पे बिल्कुल बातें करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ओके, बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात होती है यहाँ पे, तो वो पूरी R&D होती है, रिसर्च होती है, किसे देना है किसे नहीं देना है, आपको पता है अवार्ड वगैरह तो यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो भैया डिफेंस जो NDA, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं ना बेटा, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, वर्ड का, आप ये देखिए भैया, वर्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फायर्स, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, नॉर्वे, ASKO मरीटाइम, है ना, तो कौन इसे बना रहा है, कौन इसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसे जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, और है कहाँ पे ये, नॉर्वे में, तो हमें एक चीज और एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है, दैट इज मेक इन इंडिया, जब हम बात कर रहे हैं आपकी भारत की, है ना, आपको पता है मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है कि ये जो वर्ल्ड का पहला बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, कोचिन शिपयार्ड, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, चले मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हाँ बेटा एक और चीज है, जब भी हम पढ़ते हैं ना तो साथ साथ हम एक और चीज याद कर लेते हैं कि शिपिंग हेड मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, श्री मनसुख एल मंदाविया के पास है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए ओके, सब ठीक दिख रहा है, विजिबल है ना, चलो ओके बेटा, ओके हर्षित, मोहित, ठीक है, हो गया, ओके। चलिए बेटा कोई और डाउट्स वगैरह ना आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं साथ साथ हम उसे क्लियर करते चलेंगे, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अब नॉर्वे की बात आई, मैंने अभी आपको बताया जैसे हमने ट्यूनिशिया देखा था वैसे हम क्या देखेंगे यहाँ पे, नॉर्वे देखेंगे, कैपिटल क्या है बेटा, ओस्लो, करेंसी नॉर्वेगियन क्रोन, और प्राइम मिनिस्टर एर्ने सोलबर्ग, ठीक है बेटा, हर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को याद रखना कंट्री के पूरे मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो न्यूज में है उन्हें तो याद करना और ध्यान में रखना बनता ही है ना, तो चलिए यहाँ पे अब आपको नॉर्वे दिख गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें, है ना, ये नॉर्वे हो गया आपका, ये यहाँ पे कैपिटल होगी ओस्लो, किससे कनेक्ट है यहाँ पे, स्वीडन है, ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा है गल्फ ऑफ बोथिना, फिनलैंड है, तो ये इस तरीके से आप कनेक्ट करते चले जाते हैं, ओके, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
ओके, इंडिया एंड भूटान, चलिए देख लेते हैं क्या हुई है यहाँ पे बात। बिटवीन टू नेशंस न्यू ट्रेड रूट टू फैसिलिटेट्स कनेक्टिविटी, बोला क्या जा रहा है भैया यहाँ पे? बोला जा रहा है जयगांव इन वेस्ट बंगाल एंड अलाया पस्का इन भूटान, है ना, इन्हें जो है बेटा यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आपको बताया मैंने अभी कि हम अपना ट्रेड जो है बेटा, जितने हमारे नेबर स्टेटहुड्स वगैरह हैं उनके साथ रिलेशंस अपने अच्छे बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे। न्यू ट्रेड रूट फैसिलिटेट बिटवीन विच टू स्टेट्स, इंडिया एंड भूटान, ठीक है। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास रखेंगे, कुछ मैं पूछूंगी आपसे तो बेटा आप मुझे आंसर कर सकते हैं जो हमने पढ़ रखा है ना, और साथ साथ हम उसे रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा, कोलुंग चो हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड एंड भूटान गवर्नमेंट साइन अ पैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगा वॉट प्रोजेक्ट, कहाँ पे? थिम्फू में स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट हाइड्रो पावर ज्वाइंट वेंचर है भूटान का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब हमने देख लिया भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, लोते शेरिंग, कैपिटल थिम्फू, और करेंसी कौन सी है? भूटानीज। ओके, ऑल क्लियर, ओके। कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हर्षित, मोहित, नवोदित, अगर कुछ भी लग रहा है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे अब आया तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ढाका आपको दिख रहा है, ठीक है, म्यांमार यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आज का क्लास जो है हम यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लेके एंड अप करेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम सफलता पे, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD किसके पास है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, है ना, किसके पास है? रमेश पोखरियाल के पास। एक पॉइंट यहाँ पे आपका ये बनेगा कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो इनकी कंस्टिट्यूएंसी आपको मिलेगी हरिद्वार, है ना। तो यहाँ पे बात क्या हुई है, वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 डायग्नोस्टिक किट की बात हुई है ना, कोर श्योर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा सीधा और डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, गोवा के क्विक देख रहे हैं, स्टेट की बात हुई थी हमारी, स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे हम गोवा को देख लेते हैं। ये मैप है, मैप जरूर आप देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मारमेगांव हार्बर मिल रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल पानाजी, 1987 गोवा वॉज फॉर्म्ड एज अ 25th स्टेट, डेट याद रखना, जहां स्टैटिक होंगे इंपॉर्टेंट वहां मैं आपको बता दूंगी। ओके, ऑपरेशन विजय 1961, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी, बॉम्बे हाई कोर्ट है बेटा, मारमेगांव हार्बर अभी बताया, फेस्टिवल फुगोड़ी और कुंदी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बर्ड सेंचुरी आपको सलीम मिलेगी, भगवान महावीर मॉलियम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ये है नेत्रविली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर दो इम्पोर्टेंट है, मांडुवी और जोरी, ये दो इम्पोर्टेंट है। अब ये लास्ट है कंट्री हमारा, और आज का सेशन हम यही एंड करेंगे ईरान को देखते हुए। आप जो है थोड़ा सा देख लेते हैं ईरान को, प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे हसन रोही, कैपिटल तेहरान, करेंसी ईरानियन, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बेटा? पर्शियन। इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ के माउंटेन्स हैं, जैगरूस माउंटेन, एल्बर्स माउंटेन रन अलोंग द साउथ शोर्स ऑफ द कैप्सियन सी, इंपॉर्टेंट है ना। बॉर्डर रेंज किसकी है बेटा इसके साथ? कोशन रीजन टू द ईस्ट। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम हमारा यही एंड करते हैं, और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।